Hi friends, welcome to our channel. I am Sripad Naik and you are watching Electrical Academy. Today we are going to discuss EMF equation of alternator or synchronous generator. तो ये expression derive करने के लिए हमें कौन-कौन से factor लगने वाले हैं? तो various parameters को सबसे पहले हम specify कर लेते हैं. So let phi is equals to flux per pole in Weber. Flux per pole in Weber is phi. आपको पता है basic terms से या ठीक है f क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन हर्ट्ज फिर p क्या है p मींस पोल ठीक है p क्या है नंबर ऑफ पोल्स सो p इज नंबर ऑफ पोल्स फिर n क्या है स्पीड सो n इज रोटेशनल स्पीड इन आरपीएम ऐसा हम इसे कह सकते रोटेशनल स्पीड इन आरपीएम क्योंकि स्पीड लीनियर भी हो सकता है रोटेशनल भी हो सकता है तो आपको सिंक्रोनस जनरेटर में स्पीड कैसा होगा रोटेशनल सो रोटेशनल स्पीड इन आरपीएम एंड टीपीएच मींस टर्न्स पर फेज नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज ठीक है एक फेज में कितने टर्न्स है ये हमें डिनोट करना है नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज तो देखो अभी हम बात करें सिंक्रोनस जनरेटर की तो सिंक्रोनस जनरेटर में स्टेटर होता है और रोटर होता है और बेसिकली रोटर रोटेट करता है तो रोटर पर फील्ड वाइंडिंग रखते हैं और स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं ठीक है तो ऐसी अगर आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ वाउंड की होगी ये है आर्मेचर वाइंडिंग ठीक है आर्मेचर वाइंडिंग ऐसी वाउंड कर ली होगी आपने और ये नंबर ऑफ कंडक्टर्स ठीक है नंबर ऑफ कंडक्टर्स रोटर पर वाउंड किए होंगे रोटर रोटेट होगा और स्टेटर के जो पोल से इनको वो कट करेगा अगर ये नॉर्थ पोल है लेट अस कंसीडर फोर पोल से स्टेटर पर यहाँ नॉर्थ साउथ तो ऐसे नंबर ऑफ पोल्स रहते स्टेटर पर और रोटर पर कंडक्टर्स रहते तो कंडक्टर फ्लक्स कट करता है प्रोड्यूस बाय दिस पोल्स ठीक है तो यहाँ व्हेन अ सिंगल कंडक्टर कट्स द फ्लक्स ऑफ वन पोल देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट बराबर है सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सो व्हेन अ सिंगल कंडक्टर कट्स द फ्लक्स ऑफ वन पोल ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट देखो यहाँ से एक कौन सा भी कंडक्टर उठा लो अगर हमने ये कंडक्टर लिया तो ये जब रोटेट होता है और ये एक पोल है तो एक पोल का प्रोड्यूस किया हुआ फ्लक्स यहाँ कुछ फ्लक्स आएगा पर पोल ठीक है फ्लक्स पर पोल और कंडक्टर कट्स करेगा वो फ्लक्स तो कंडक्टर कट्स द फ्लक्स ऑफ वन पोल एक पोल का फ्लक्स अगर कंडक्टर ने कट किया तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वन कंडक्टर में वो कैसे इंड्यूस होगा बाय कटिंग द फ्लक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पोल तो उस पोल का फ्लक्स कट करते हुए ईएमएफ इंड्यूस होगा उस रोटर के कंडक्टर पर जो हमने कंसीडर किया है यहाँ हमने एक ही कंडक्टर कंसीडर किया है तो यहाँ आपको क्या मिला ईएमएफ इंड्यूस्ड पर पोल इंड्यूस्ड ईएमएफ पर पोल एक पोल के लिए ठीक है बाय वन कंडक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ पर पोल बाय वन कंडक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ वन पोल बाय वन कंडक्टर ऐसा बोल सकते हैं ठीक है तो हमें तो पता है कि देर आर पी नंबर ऑफ पोल्स देर आर पी नंबर ऑफ पोल्स तो नंबर ऑफ पोल्स अगर P है मतलब वो 2, 4, 6, 8 ऐसे P नंबर ऑफ पोल्स है तो फ्लक्स जो कट होगा बाय दिस P नंबर ऑफ पोल्स मींस फ्लक्स कट बाय P नंबर ऑफ पोल्स मींस टोटल जो फ्लक्स कट होगा टोटल फ्लक्स कट बाय P नंबर ऑफ पोल्स ऐसा हम बोल सकते हैं तो वो कैसे आप डिनोट करेंगे फाई इंटू पी वेबर मतलब फ्लक्स ऑफ वन पोल इंटू नंबर ऑफ पोल्स तो फाई इंटू पी वेबर फाई क्या है फ्लक्स पर पोल और पी क्या है नंबर ऑफ पोल जितने भी पोल रहेंगे उतना सो फाई इंटू पी वेबर इज टोटल फ्लक्स कट बाय पी नंबर ऑफ पोल्स तो देखो अगर आपको एवरेज ई एम एफ डिनोट करना है ई एवरेज तो आप कैसे डिनोट करेंगे ये टोटल फ्लक्स कट बाय टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन मतलब एक रिवोल्यूशन में टोटल कितना फ्लक्स कट हो रहा है ये रहेगा आपका एवरेज ई एम एफ तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन तो टोटल फ्लक्स कट तो हमने निकाल लिया फाइव इंटू पी वेबर और टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर वन रिवोल्यूशन एक रिवोल्यूशन कंप्लीट रोटर को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा तो इट इज एन बाय 60 इन
आरपीएस, ठीक है। देखो हमने फ्लक्स कट निकाल लिया, अभी टाइम टेकन निकालने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं स्पीड ऑफ रोटेशन भी एन आरपीएम, ठीक है। रोटेशनल जो स्पीड है, रोटेशनल स्पीड, स्पीड ऑफ रोटेशन, तो वो क्या है, इन रिवोल्यूशन पर मिनट हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, एन आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। सो अगर आरपीएस में चाहिए तो आप कैसे ये डिनोट करेंगे, एन बाय 60 आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। स्पीड ऑफ रोटेशन रिवोल्यूशन पर सेकंड क्या रहेगा, एन बाय 60 आरपीएस, एंड पर मिनट रिवोल्यूशन पर मिनट क्या रहेगा, एन आरपीएम, ठीक है। तो ये आपने डिनोट कर लिया है, और अभी आपको क्या चाहिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, ठीक है। सो टाइम पीरियड टी क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 1/f रहता है, ठीक है, आपको पता। सो टाइम टी क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, पी एन बाय 120, हमने डेरिवेशन लिया था फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, सो इट इज पी एन बाय 120, ठीक है। तो यहां देखो ये जो एन है ये ओनली वैल्यू होता है, क्योंकि पी कांस्टेंट है। एक बार आपने सिंक्रोनस जनरेटर या तो फिर अल्टरनेटर डिजाइन कर लिया बाय नंबर ऑफ पोल्स, तो 2 पोल्स या तो फिर 4 पोल्स, 6, 8, 32, कुछ भी हो, लेकिन पोल्स एक बार आपने डिजाइन कर लिए तो वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो सो पी कांस्टेंट है और 120 कांस्टेंट है, तो आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किस पर किसके प्रपोर्शन में होगी, स्पीड के प्रपोर्शन में होगी। सो एफ इज प्रपोर्शनल टू एन रहेगा, बराबर है। सो टी इज इक्वल टू, अगर 1/f है तो क्या टी इज इक्वल टू 1/n हम लिख सकते हैं बाय दिस रिलेशन, एफ इज प्रपोर्शनल टू एन, तो बिल्कुल लिख सकते हैं टी इज प्रपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। और n क्या है, इन आरपीएस n क्या है, n बाय 60 है, n बाय 60 रिवोल्यूशन पर सेकंड, और आपको पर सेकंड में ही चाहिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन सेकंड आपको चाहिए, ठीक है। सो 1/n, n बाय 60 मतलब क्या हुआ, 60/n, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज 60/n सेकंड्स। सो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कट 5 × p weber, एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज 60/n सेकंड। सो ई एवरेज को हम यहां लिख सकते, टोटल फ्लक्स कट 5 × p weber डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन n बाय 60 इन सेकंड्स, ठीक, सॉरी 60/n सेकंड, ठीक है, 60/n सेकंड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन 60/n सेकंड। सो ई एवरेज क्या हुआ, ई एवरेज इज इक्वल टू 5 pn डिवाइडेड बाय 60, ई एवरेज इज इक्वल टू 5 pn बाय 60 इन वोल्ट्स, ठीक है। तो आपने जो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ ये निकाली है, ये क्या है, एवरेज ईएमएफ पर कंडक्टर है, एक कंडक्टर के लिए ही हमने ये निकाली है, एवरेज ईएमएफ पर कंडक्टर, ये ई एवरेज है, जो आपने ई एवरेज निकाला है वो पर कंडक्टर के लिए एवरेज ईएमएफ निकाला है, क्योंकि हमने एक ही कंसिडर किया था, एक ही कंडक्टर कंसिडर किया था और एक ही पोल कंसिडर किया था, तो एवरेज ईएमएफ पर कंडक्टर है। टोटल फ्लक्स कट हमने वहां पी नंबर ऑफ पोल्स मतलब सारे पोल्स कंसिडर कर लिए, लेकिन बाय वन कंडक्टर ही कंसिडर किया था, इसीलिए एवरेज ईएमएफ पर कंडक्टर ये आपने कैलकुलेट किया है अभी तक, ई एवरेज, ठीक है। अभी फिर से ये रिलेशन यूज करो, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, पी एन बाय 120 होता है, पी एन बाय 120, तो देखो आपने ये पी एन बाय 60 है, बराबर है। सो ये जो ई एवरेज का रिलेशन है, ई एवरेज आपने क्या निकाला था, 5 pn/60 निकाला था अभी तक, ठीक है। तो 5 pn/60, तो एडजस्टमेंट ऐसी करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, मतलब 2 5 pn/2 × 60, बराबर है। सो ये क्या हुआ, अभी 2 5 pn/120 हो गया, ठीक है। सो 2 5 pn/120, और आपको पता है pn बाय 120 क्या होता है, f, फ्रीक्वेंसी f, सो 2f5 इज इक्वल टू ई एवरेज पर कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 2f5 इन वोल्ट्स, ठीक है, यूनिट वोल्ट्स। अभी देखो हमारे पास यहाँ जगह कम है, इसीलिए ये ई एवरेज हमने कैसे निकाला, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, तो ये ई एवरेज मैं अभी यहाँ लिखता हूँ, कैसे आया ये मैं रब कर देता हूँ डायरेक्टली, ये 2f5 वैल्यू मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब आगे आपको बहुत डिटेल में फिर एक्सप्लेन करना है, ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा आपको, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, बुक में ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कि ये n बाय 60
कैसे आया, मतलब 60 बाय सेकंड कैसे आया, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन कैसे आया, डायरेक्टली वो उन्होंने दिखाया होगा कि टी इज इक्वल टू 60 बाय सेकंड। ठीक है, सो यहाँ मैं डिटेल में ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ जगह कम है इसीलिए ये कैसे आया ये दिखाने के बाद मैं फिर ये वैल्यू ई एवरेज की यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, सो अभी मैं रब कर देता हूँ, ये आपने ये लिखा ही होगा पहले से। ठीक है, तो अभी मैं रब करके डायरेक्ट ये यहाँ लिखता हूँ और बाद में आगे स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो देखो ई एवरेज पर कंडक्टर इज इक्वल टू 2F5 वोल्ट, ये हमने अभी निकाला। देखो आप ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली पेपर में, लेकिन आपको ये कैसे आया ये बताने के लिए मैंने सारा डेरिवेशन डिटेल में लिया। अगर आपके पास टाइम कम है पेपर में तो आप डायरेक्टली ऐसा वहां लिख सकते। तो ई एवरेज पर कंडक्टर अभी हमने निकाला, लेकिन एक मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज रहते हैं पर पोल में, मतलब एक पोल में नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज रहते। सो पूरे स्टेटर की पेरिफेरी हो या रोटर की पेरिफेरी, तो टर्न्स पर फेज रहेंगे और वन टर्न कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स रहते, बराबर है। एक टर्न में टू कंडक्टर्स रहते, इन वन टर्न देर आर टू कंडक्टर्स इन सीरीज, देर आर टू कंडक्टर्स इन सीरीज, बराबर है, टू कंडक्टर्स इन सीरीज रहते। मैंने हर बार ये आपको बताया है, डिटेल में बताया है, अगर आपने सारे वीडियोज अच्छे से देखे तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो देखो ऐसी अगर एक टर्न है तो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर टू, ये कंडक्टर वन। ठीक है, तो एक टर्न में दो कंडक्टर होते हैं। सो यहाँ एवरेज ईएमएफ पर कंडक्टर, अगर आपने बात की एवरेज ईएमएफ पर कंडक्टर बात की थी, अभी एवरेज ईएमएफ पर टर्न अगर हमने कहा, तो एक टर्न में दो कंडक्टर्स होते हैं, तो यहाँ क्या होगा वो 2 × 2F5 एवरेज ई एवरेज पर कंडक्टर। तो एवरेज ईएमएफ पर टर्न क्या रहेगा, ये कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, ये एक, दो कंडक्टर, इसलिए 2 × 2F5। सो एवरेज ईएमएफ पर टर्न इज इक्वल टू 4F5 वोल्ट्स पर टर्न के लिए अभी हमने निकाला एवरेज ईएमएफ पर टर्न 4F5 वोल्ट्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने एवरेज ईएमएफ पर कंडक्टर निकाला, फिर पर टर्न निकाला, लेकिन एक ही टर्न थोड़ी होती है पूरी पेरिफेरी में, देर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज आपको चाहिए ये ईएमएफ, लेकिन देर आर नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, तो एक फेज में नंबर ऑफ टर्न्स रहते, सो देर आर टीपीएच नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, ऐसा हम यहाँ बोल सकते, देर आर टीपीएच टर्न्स पर फेज, टीपीएच नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। ठीक है, तो अगर हमने ये लेट अस कंसीडर ये किया है कि टीपीएच नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, तो अभी अगर हम सारे टर्न्स कंसीडर कर रहे हैं तो अभी हमें क्या मिलेगा, एवरेज ईएमएफ पर फेज मिलेगा, क्योंकि हमने सारे टर्न्स पर फेज अभी कंसीडर किए हैं नीचे, तो एवरेज ईएमएफ पर फेज हमें मिलेगा। सो एवरेज ईएमएफ पर फेज मींस ई एवरेज इज इक्वल टू 4F5 TPH, टर्न्स पर फेज हम कंसीडर कर रहे हैं 4F5 TPH, तो ये ई एवरेज पर फेज है, एवरेज ईएमएफ पर फेज 4F5 TPH वोल्ट्स। ठीक है, तो अभी हमें एवरेज ईएमएफ पर फेज मिल गया है, तो क्या हम आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर फेज निकाल सकते, तो इजीली यहां से निकाल सकते हम। देखो हमें पता है फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है 1.1 एंड इट इज इक्वल टू ई आर एम एस बाय ई एवरेज। ठीक है, आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ टू द एवरेज वैल्यू ऑफ ई एम एफ, एवरेज वैल्यू ऑफ ई एम एफ आपने निकाल लिए 1.1 से, उसे मल्टीप्लाई करके आपको ई आर एम एस मिलेंगी, आर एम एस वैल्यू, ई आर एम एस पर फेज आपको मिलेगी 1.1 × एवरेज ई एम एफ मीन्स 4F5 TPH, तो ये कितनी हो गई 4.44F5 TPH वोल्ट्स, तो ये आपको मिली RMS वैल्यू। ठीक है, ई आर एम एस पर फेज आपको अभी मिल गई। ठीक है, सो ई आर एम एस पर फेज, या तो फिर आप इसे लिख सकते ई पर फेज, क्योंकि RMS वैल्यू ये लिखने की जरूरत नहीं है, RMS में ही हम कैलकुलेट करते हैं अल्टरनेटर के लिए। कोई भी अल्टरनेटर हो या तो फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो, RMS वैल्यू का EMF हमें चाहिए, AC में RMS वैल्यू और DC में एवरेज वैल्यू। सो ई पर फेज ये बाय डिफॉल्ट RMS वैल्यू है, तो इसे ई RMS ऐसा लिखने की आगे जरूरत नहीं है, ई पर फेज 4.44 F5 TPH वोल्ट्स। ठीक है, सो वेयर
EPH is RMS value of EMF per phase. RMS value of EMF per phase. लेकिन देखो अभी आपको ये जो RMS value of EMF per phase मिला है, तो वो कब का मिला है? जब आपकी windings जो है, वो full pitch type and concentrated type की होगी। लेकिन practically full pitch और concentrated winding नहीं रहती, क्योंकि वहाँ harmonics ज़्यादा होते हैं और वो harmonics कम करने के लिए windings are always short pitch and distributed type। तो short pitch और distributed type of winding अगर हम use करते, तो आपको वहाँ pitch factor and distribution factor consider करना पड़ेगा। short pitch winding use की, तो pitch factor आएगा और distributed winding उसकी तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, जो हमने पिछले वाले एपिसोड में उसका डेरिवेशन और डिटेल में वो दोनों फैक्टर्स और फिर बाद में उनका फाइनल कंक्लूजन निकाला था। तो उस कंक्लूजन के आधार पर इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज जो होगा वो कंसीडर कैसे होगा? बाय कंसीडरिंग द वाइंडिंग फैक्टर। वाइंडिंग फैक्टर मतलब पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। दोनों फैक्टर कंसीडर करके आपको एवरेज सॉरी आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर फेज चाहिए, तो ये आपको वो फाइनली मिलेगा। सो देखो ये रीड करो, दिस अबोव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज व्हेन द वाइंडिंग्स आर फुल पिच एंड कॉन्सेंट्रेटेड टाइप, बट प्रैक्टिकली वाइंडिंग्स इज नाइदर फुल पिच nor concentrated, but they are short pitch and distributed type. So winding factor WF is also taken into account. So WF winding factor kya rahega? KP means pitch factor KP into distribution factor KD. Dono factor consider karne padega aur dono factor agar humne is equation mein dale to aapko final actual value of EMF per phase milega by considering these winding factors. So EPH is equals to 4.44 FI KC KD TPH in volts. ठीक है, so this is the EMF equation of alternator or synchronous generator. डिटेल में मैंने लिया है, अच्छे से आपके कंसेप्ट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। तो ये जो आपको फाइनल वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर फेज आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर फेज मिली बाय कंसीडरिंग दिस वाइंडिंग फैक्टर्स, और ये वाइंडिंग फैक्टर्स मतलब पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इट इज ऑलवेज लेस देन वन रहते, तो ये जो फाइनल एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर फेज आपको मिलेगी, इट इज ऑलवेज लेस देन दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर फेज, इतना ध्यान में रखो। तो ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर फेज हमेशा इससे कम रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ हमने डिराइव करने के लिए यहाँ ये लिखा, और ये फुल पिच और कॉन्सेंट्रेटेड टाइप ऑफ वाइंडिंग के लिए, लेकिन ये दोनों वाइंडिंग हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। प्रैक्टिकली वाइंडिंग्स आर शॉर्ट पिच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप, तो इसके लिए ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज के लिए हमने निकाला। सो दिस इज ओवरऑल ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। अगले वाले एपिसोड्स में हम इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स देखने वाले, इसके बेसिस पर फिर पोल पिच, स्लॉट एंगल, स्लॉट्स पर पोल पर फेस, सारे जो भी है पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सारे जो भी पैरामीटर्स अभी तक हमने डिस्कस किए, इनके बेसिस पर हमें लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स वहाँ सॉल्व करने। तो अगले वाले एपिसोड में मिलते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि न्यू वीडियोज़ आपकी तरफ आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में।